नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठग्गू के लड्डू, जी हां, यह शब्द विन्यास या यह स्लोगन कानपुर का है और यह कानपुर का शब्द विन्यास या स्लोगन दुनिया भर में मशहूर है और इसका काफी कुछ रिश्ता नाता आज सिस्टम से दिख रहा है। जी हां, आप आश्चर्य में होंगे लेकिन हकीकत यही है। तो आइए आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि किस प्रकार यह सिस्टम से जुड़ गया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यह शब्द विन्यास सिस्टम पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। कल विजयादशमी यानी दशहरा था, लंकाधिपति रावण का दहन देश भर में विजयादशमी को किया जाता है। कानपुर में भी विजयादशमी पर रावण का दहन किया जाता है। कल विजयादशमी थी और कानपुर में परेड ग्राउंड सबसे बड़ा ग्राउंड माना जाता है और यहां की रामलीला और रावण दहन सबसे विशाल और बड़ा माना जाता है। इसे भव्य और दिव्य भी कहा जाता है। लेकिन कल इंद्रदेव की कुछ अधिक कृपा रही, कल बारिश होती रही। सुबह से लेकर शाम तक अनवरत बारिश होती रही, कभी रुककर कभी लगातार। विजयादशमी का यह पर्व बारिश के कारण फीका हुआ। अब बात करते हैं, चूंकि बात यह इसलिए कर रहे हैं या आपसे इस पर गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम कहां है और हम कहां हैं और हमारे पर्व कहां। विजयादशमी पर रावण का पुतला फूंका जाता है, इसके पहले कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले फूंके जाते हैं। कल विजयादशमी थी, मूसलाधार बारिश थी। रावण का विशाल पुतला परेड ग्राउंड में सीना तान कर खड़ा था लेकिन मूसलाधार बारिश ने उस पुतले को न केवल स्नान कराया, यानी यूं कहें कि रावण को इंद्रदेव ने स्नान कराया तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। अब इसी के साथ बात करते हैं कि यह कानपुर की जो परेड ग्राउंड की रामलीला है, रावण का जो पुतला है यानी रावण का जो पुतला था, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर कल दिन भर वायरल होता रहा और लोग उस पर कमेंट करते रहे। कमेंट यह था कि रावण को स्नान कराया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह तो अद्भुत महिमा है कि रावण स्नान करने के बाद मरेगा। अब दूसरे शब्दों में यूं कहें कि कानपुर में रावण जलकर नहीं मरा, डूब कर मरा तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। रावण का इस तरह से पुतले का अंत होना और रावण क्या लंका भी उसकी जलने की बजाय मूसलाधार बारिश में बह गई। अब यह सब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके बाद सिस्टम पर आपसे बात करते हैं। कानपुर का सिस्टम हो या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहर का सिस्टम हो, चाहे वह लखनऊ हो, लखनऊ में बारिश ने वह दिन दिखाए कि जो बहुत दुर्गति वाले दिन थे और बड़ी भयावह स्थिति थी। बारिश का पानी यानी जल भराव घरों के बंगलों के अंदर तक पहुंच गया। लखनऊ की मैडम डीएम जैकब को खुद उतरना पड़ा क्षेत्र में हालात देखने के लिए।
यह हमारे सिस्टम की एक बानगी है। अब चाहे बात करें उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर की, या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की, या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य शहर की बात करें, तो शायद ही कोई शहर ऐसा होगा जो इस बारिश में जल भराव में न डूबा हो। जी हाँ, अब जल भराव, बारिश होगी तो जल भराव होगा। हालांकि सिस्टम यह होता है कि जल भराव हो, धीरे धीरे पानी निकल जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो सीवरेज सिस्टम होता है, उसके जरिए वो पानी निकल जाता है। ड्रेनेज सिस्टम इसीलिए बनाया जाता है कि हमारे शहर में कहीं भी जल भराव की संभावना न रहे और जल की निकासी समय पर होती रहे। जी हाँ, तो यह तो हालात रहे कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के। अब इसी के साथ देखिए तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या देश का कोई भी बड़ा शहर हो, सभी जगह बारिश के कारण हालात बद से बदतर नजर आए। अब बात करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। अच्छी सोच है, अच्छी परिकल्पना है, भारत को स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि भारत स्मार्ट होगा हम भी स्मार्ट होंगे, और सीना तान कर हम कह सकेंगे कि हम स्मार्ट हैं और स्मार्ट देश के बासिंदे हैं। लेकिन इसमें कहां अवरोध आ रहा है, कहां परेशानियां आ रही हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी होगा। आइए अब कुछ समय पीछे ले चलते हैं आपको, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी 2014 में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक स्मार्ट बनाने के लिए, देश को आदर्श बनाने के लिए कुछ आइडिया निकाले। इसी में एक उनका आइडिया था, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आइडिया था कि भारत के प्रमुख शहरों को स्मार्ट बनाया जाए। अब वैसे देखें तो भारत में करीब 4000 शहर हैं, लेकिन प्रथम चरण में फिलहाल 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का संकल्प लिया गया। 25 जून 2015 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बड़ा प्रोजेक्ट देश को दिया। इस प्रोजेक्ट को कहा गया स्मार्ट सिटी मिशन। जी हां, स्मार्ट सिटी का आशय यह था कि हमारा जीवन स्तर, यानी लाइफ लाइन से लेकर लाइफ स्टाइल तक सब कुछ बदलना। जी हां, अब यह लॉन्च हो गया 25 जून 2015 को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया, इस मिशन को, और यह मिशन देश भर में काम करने लगा। 2015 से आज हम 2022 में हैं, करीब 7 साल का लंबा फासला हम तय कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए फंड की क्या व्यवस्था हुई, क्योंकि बिना पैसे से ना कोई परियोजना चलती है, ना कोई योजना चलती है, ना कोई विचार आगे बढ़ पाता है। विचार इन द सेंस कि अगर हम किसी दिशा में विकास संबंधी सोचते हैं तो उसके लिए हमें धनराशि यानी फंड की जरूरत होती है। तो भारत के जो 100 शहर चुने गए उनके लिए 7,20,000 करोड़ का एक फंड निर्धारित किया गया, जो अब तक का निर्धारित फंड है, यानी 7 वर्षों के दौरान 7,20,000 करोड़ रुपए का यह फंड निर्धारित किया गया। अब बात करते हैं कि अगर 10 साल पहले की जनगणना का आकलन देखें तो करीब 31% भारत की जो कुल आबादी है उसका 31% शहरों में बसता है, यानी शहर में 31% आबादी भारत की रहती है। अब अनुमान लगाया विशेषज्ञों ने कि अगर यह 2030 तक देखा जाए तो यह आबादी कितनी होगी, तो वर्ष 2030 तक भारत के शहरों में रहने वालों की आबादी करीब कुल आबादी का 40% हिस्सा होगा जो शहरों में रहेगा।
लाजमी है कि शहर में रहेंगे तो शहर की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, शहर की सेवाएं बढ़नी चाहिए, शहर का कायाकल्प होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन जो नजरिया बारिश ने दिखाया कि पूरे शहर लबालब रहे जल भराव से, चाहे वो वाराणसी हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, इलाहाबाद हो, या देश के और कोई बड़े शहर हो, अब इसमें चाहे वो राजस्थान का कोई शहर देख लें, या मध्य प्रदेश का कोई शहर देख लें, या बिहार का कोई शहर देख लें, जल भराव से कोई भी शहर अछूता नहीं रहा। जबकि देश के 100 शहरों के लिए 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब वैसे सामान्य तौर पर जो अभी तक आकलन सामने आ रहा है उसमें देखा जाए तो अब तक पूरे देश के 100 शहरों में 5,151 प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं चल रही हैं। यह परियोजनाएं विकास की हैं और आम आदमी के लिए सहूलियत देने वाली है। तो अब आइए एक नजर समझते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यानी मिशन है क्या। स्मार्ट सिटी में आपको उच्च तकनीकी यानी डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यानी बहुत सारी, चाहे वो रोजगार की बात हो, या शिक्षा की बात हो, या धर्म संस्कार की बात हो, या आपके स्वास्थ्य की बात हो, या आबोहवा की बात हो, या आवास की बात हो, इसमें गरीबों को और मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों को आवास देने का भी एक संकल्प है। इस प्रकार पूरे परिपेक्ष में देखें तो आपकी लाइफ लाइन से लेकर लाइफ स्टाइल तक सभी कुछ बदलने का इसमें एक प्रोविजन किया गया, एक प्रावधान किया गया। लेकिन अब हालात कुछ और बदलते नजर आ रहे हैं। अब वैसे देखें तो जो आकलन यानी जो विभागीय तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें देखा जाए तो भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 7,20,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि तय की है। लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्ट में सामने आया है कि केंद्र सरकार ने करीब 27,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं इस मिशन के लिए, तो वहीं राज्यों ने अभी तक कुल केवल 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। इसमें यहां यह भी आपके संज्ञान में ला दें यानी आपसे शेयर कर लें, आपको बता दें कि इसमें 50-50 की पार्टनरशिप है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, यानी 50% केंद्र सरकार इसमें धनराशि देगा और 50% धनराशि स्टेट यानी राज्यों को देनी होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर के 100% जो होगा उससे विकास की परियोजनाएं चलेंगी। अब इसमें चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, या सीवरेज सिस्टम की बात हो, या एसटीपी की बात हो, कुल मिलाकर के इसमें स्मार्ट सिटी को यानी जो 100 शहर चयनित किए गए हैं उनको स्मार्ट बनाना है, तकनीकी दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सभी दृष्टि से उनको स्मार्ट बनाना है। लेकिन ऐसा कहीं होता दिख नहीं रहा है, इसमें बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, बहुत सारी चीजें इसमें सामने आ रही हैं। अब इसमें इसी के साथ देखें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी सहित कई शहरों को कमिश्नरेट कर दिया गया है। कमिश्नरेट करने से बहुत सारी चीजें बदल जानी चाहिए और कुछ बदला भी होगा। लेकिन जिस तरह से कानपुर के परेड ग्राउंड में रामलीला के दिन यानी विजयादशमी के दिन जल भराव का भीषण भयावह स्थिति देखी कि जल निकासी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इससे यह स्पष्ट है कि 7 वर्षों में अभी तक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शहरों से जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं कर पाई। यह एक सिस्टम की बात है। सिस्टम में अब बात करें कि कमिश्नरेट होने के बाद पुलिसिया सिस्टम में सुधार आना चाहिए, लेकिन पुलिसिया सिस्टम जैसे पहले काम कर रहा था कमोबेश वही हालात दिखते हैं। अब अगर कहीं व्यक्ति अपने आप परेशानी से जूझता है, इसमें यह भी है कि खुली सड़कें हों और खुली हवा हो, भीड़ भाड़ इलाके कम हो, इस तरह से पूरे सिस्टम को एक देखा गया, तो अब चाहे पैसा खर्च हो रहा हो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, लेकिन
आम आदमी उसी तरह से सिस्टम के द्वारा ठगा जा रहा है, जैसे ही जैसे एक स्लोगन इसके पहले आपको मैंने सुनाया बताया, वह शब्द विन्यास पूरी तरह से सिस्टम और शहर के यानी देश के नागरिकों के साथ यानी देश की आबादी के साथ वह सिस्टम पूरी तरह से काम करता नजर आ रहा है कि कैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यानी सिस्टम ने सही काम न करके यह साबित किया कि आम जनता को ठगने में वह पीछे नहीं है। ठगना केवल पैसे से ही नहीं होता है, अगर आप अपने कर्तव्य का अपने पूरे सिस्टम का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही उपयोग नहीं होता है, आम आदमी का यानी देश की आवाम का या देश की आबादी का अगर हित संरक्षित सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब है वह ठगा जा रहा है। अब इसके इसके साथ ही यह देखें तो चाहे वो टैक्स देना हो या किसी और सिस्टम से, सारा का सारा बोझ देश की आबादी पर होता है। अब अगर उसकी आबादी के ऊपर जो टैक्सों का बोझ होता है और दूसरी तरफ ये देखें कि सिस्टम अगर सही ढंग से काम नहीं करता है और आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह से सीधे सीधे यह कहा जा सकता है कि सिस्टम आम आदमी को ठग रहा है। ठगना केवल पैसे से नहीं है, ठगने का आशय यह भी हो सकता है कि उसकी जो आम आदमी की दिक्कतें हैं उनको सही ईमानदारी से हल नहीं किया जा सकता है, हल नहीं किया जा रहा है, यह एक सिस्टम का बड़ा सुराख भी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा सम्मान और बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, यह सारी तस्वीर उनके सामने रख रहे हैं कि आखिर जो सिस्टम में सुराख है वह कैसे बंद होगा, इसको देखना आपका काम है। कैसे आप देखेंगे इस सिस्टम को, कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि आम आदमी जैसे पहले यानी स्मार्ट सिटी घोषित होने के पहले यानी स्मार्ट सिटी मिशन लागू होने से पहले जैसे आम आदमी की जिंदगी थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है इन 7 वर्षों में। भले ही स्मार्ट सिटी के नाम पर अच्छे अच्छे बोर्ड लग गए हों, जैसे कानपुर में नाना राव पार्क के बाहर स्मार्ट सिटी का एक सुंदर सा बोर्ड लगा है, लेकिन उसके साथ ही पूरे शहर की अगर दशा देखें तो बेहद दुर्दशा दिखती है। यह हाल केवल कानपुर का नहीं है, उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी शहरों का है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अधिसंख्य शहरों का ऐसा ही हाल है। इसलिए यह कहना लाजमी होगा कि देश की आवाम, देश की आबादी, ऐसा कोई ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, यह सिस्टम पूरी तरह से सिस्टम और आम आदमी के बीच में यह शब्द विन्यास दिख रहा है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे यह सब दिख रहा है, तो एक तरफ सिस्टम है जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पूरे परिपेक्ष में अगर देखें तो सीधे सीधे न उसकी लाइफ लाइन बदली है, न उसकी लाइफ स्टाइल बदली है, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन में उसकी लाइफ लाइन भी बदलनी थी, उसकी लाइफ स्टाइल भी बदलनी थी, चाहे वह डिजिटल इंडिया के जरिए हो या मेक इन इंडिया के जरिए हो या मेक फॉर इंडिया के जरिए हो, कुल मिलाकर के उसकी आम आदमी की जो जिंदगी है वो बदलनी चाहिए थी लेकिन नहीं बदली, उसके दिन पहले से बद से और बदतर हुए हैं। यह स्मार्ट सिटी मिशन पर एक बड़ा सवाल लगाता है कि आखिर जो पैसा आया, जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, क्योंकि जैसे पहले सड़कों पर भीड़भाड़ दिखती थी वैसे ही सड़कों पर भीड़भाड़ अभी भी दिखती है, जबकि मिशन का यह लक्ष्य है, मिशन में एक संकेत है, मिशन में यह निर्देश है, मिशन का एक यह बिंदु है कि सड़कों को खुला रखा जाए और आबादी यानी सड़कों पर भीड़ ना दिखे, ऐसा पूरा स्मार्ट सिटी का खाका तैयार करके उसे मूर्त स्वरूप दिया जाए। अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में देख लें तो अतिक्रमण का बुरा हाल है, यानी अतिक्रमण दुकानें दुकान के बाहर लगती हैं और यह इससे यातायात प्रभावित होता है, इसमें यातायात का भी एक बिंदु है,
पूरी तरह से देखें तो न लाइफ बदली है, न लाइफ स्टाइल बदली है, न लाइफ लाइन बदली है, कहीं ना कहीं सुराख सिस्टम में पड़ा है जिसे बंद करना केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है और उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। अब देखना यह होगा कि इस सिस्टम को कैसे, यानी सिस्टम में जो सुराख है उसको कैसे बंद करते हैं और सिस्टम को बेहतर ढंग से कैसे चलाते हैं, कैसे संचालित करते हैं और योजनाओं को कैसे मूर्त स्वरूप दिया जाता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में भेजें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।